नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। नए वर्ष का स्वागत करने के लिए रीवा में शांति एवं सद्भावना महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शांति दौड़ आयोजित की गई। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, विधायक राजेंद्र शुक्ला के साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहे। शांति दौड़ TRS कॉलेज, जयस्तंभ चौक, प्रकाश चौराहा, शिल्पी प्लाजा, हॉस्पिटल चौराहे से होते हुए सिरमौर चौराहे पहुंचे, जिसका समापन कार्यक्रम TRS कॉलेज में आयोजित किया गया। इस दौरान गिरीश गौतम ने कहा कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, बीमारियों को पास नहीं आने देना है, साथ ही अपने नगर को साफ और स्वच्छ बनाए रखना है, रीवा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना साकार करना है। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते हैं आयोजक और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने क्या कहा। हम उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। ठाकुर रणबत सिंह महाविद्यालय का यह प्रांगण और ठाकुर नगरवासी सब तरीके से यहाँ पे मौजूद रहते हैं। हमारे साथी डॉक्टर कौशलेन मणि त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा पीछे आइए, पीछे क्यों रखती है आप जी? भाई 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 बोल, देख देख साइड हो जाए, ये साइड हो। विधायक राजीव शुक्ला जी का कुछ देकर स्वागत एवं अगले विधानसभा अध्यक्ष जी का कुछ देकर स्वागत करें, क्योंकि 1926 के अंदर भारत की हॉकी ने जो प्रदर्शन किया न्यूजीलैंड में, तो वहाँ के अखबारों ने जो इंग्लिश में लिखा हुआ करते थे वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और इंडिया, इन मुल्कों में इंग्लिश का चलन था। तो इसमें पढ़ाई अखबारों में काफ़ी कुछ निकला कि भारत की टीम ने इतने गोल किए और उसमें ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं। तो उसके आधार पर 1928 का ओलंपिक में भारत हॉकी को रखा गया। उसके पहले थी लेकिन हटा दी थी हॉकी को, लेकिन भारत के उस प्रदर्शन ने जो 1926 में भारतीय टीम ने दिखाया था न्यूजीलैंड में, उसके आधार पर 1928 में हॉकी को पुनः ओलंपिक में रखा गया। और वो ओलंपिक की कहानी जो भारतीय खेलों की शुरुआत मैं कहूंगा रही है। बाजी बोलते हैं, लिखते हैं ध्यानचंद साहब कि एक दिन बैरक के अंदर मैं कनात बैरक्स और ध्यानचंद की एक कनात की बात पे मुझे याद आया कि हम उनको जादूगर मानते। नागेंद्र सिंह जी का रीवा का कमाल है कि छुपे हुए हीरे को तराश करके प्रदेश स्तर में ले जाकर के खड़ा कर दिया दर्शनाबाद खेड़े को। ये रीवा का ही कमाल है और ये रीवा ही कर सकता है। इसलिए मैं सबको धन्यवाद करते हुए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर हम उसको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि वो संकट है तो वो जाएगा। इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, स्वाभाविक है। जैसा हम कहते हैं कि उस दुश्मन को अपने पास नहीं आने दें, उस मर्ज को अपने पास नहीं आने दें, उसका तरीका यही है कि हमारा नगर स्वच्छ हो, हम स्वस्थ रहें, तभी शायद ये संभव हो सकेगा। इस अवसर पर मैं फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सबको नया वर्ष मंगलमय हो, हम सब मिल करके इस रीवा को नई ऊंचाई तक ले जाएं, इसी शुभकामना के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करते। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।